मूवी का स्टार्ट एक पुलिस ऑफिसर इगोर से होता है जो तीन बैंक रॉबर्स का पीछा करते नजर आता है। इगोर ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर है जो रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है अगर वो रूल्स फॉलो करना शुरू हो गया तो क्रिमिनल्स तो भाग निकलेंगे, इसलिए वो अपने स्टाइल में केसेस सॉल्व करता है। इगोर भागते हुए ही रॉबर्स की गाड़ी को फॉलो करता है, फिर आखिर बहुत मेहनत के बाद वो उन्हें पकड़ने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन इस सब की वजह से सिटी में बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है। सीन्स पुलिस स्टेशन पे शिफ्ट होते हैं, जहां डुबिन नामी एक न्यू इंस्पेक्टर पहुंचता है जो कि बहुत अच्छी स्केचिंग करता है। एक इंस्पेक्टर उसे ऑफिस का विजिट करवा ही रहा होता है कि कर्नल फिडोर ऑफिस पहुंच जाता है और बहुत गुस्से में नजर आता है। वो फौरन इगोर को अपने ऑफिस बुलाता है। इगोर जैसे ही फिडोर के ऑफिस में जाता है, सब ऑफिसर्स बेट लगाते हैं कि कर्नल उसे निकाल देगा। फिर हमेशा की तरह कर्नल उसे डांट के रिजाइन लिखने को कहता है, जिसे वो एक्सेप्ट करने के बजाय अपने पास रख लेता है, क्योंकि बेशक इगोर का वे सबसे अलग और कुछ गलत है, लेकिन कर्नल भी ये बात जानता है कि इगोर की वजह से सिटी में क्राइम किस हद तक कम हो चुके हैं, इसलिए वो ऐसा ऑफिसर नहीं खो सकता है। इगोर बाहर आने पर शर्त में जीते हुए पैसे एक ओल्ड मैन को दे देता है, क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा होता है और बस सबकी मदद करना चाहता है। किरिल नामी एक अमीर लड़के पे इल्जाम होता है कि उसने किसी लड़की को अपनी कार से बुरी तरह हिट करके मार दिया है। इगोर बगैर किसी सबूत के उसे अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर देता है। उस लड़की का भाई माकरोव अपना बयान भी देता है, पर अमीर होने की वजह से किरिल बगैर किसी सजा के बड़े आराम से आजाद हो जाता है। ये चीज माकरोव को बहुत गुस्सा दिलाती है। इगोर उसे कोई भी गलत स्टेप लेने से रोक लेता है। माकरोव के जाने के बाद उसके ऑर्फेनेज की एक टीचर टैटियाना इगोर के पास आती है, जो कि माकरोव को लेके बहुत परेशान होती है कि कहीं वो कोई गलत स्टेप न ले ले, जिस पर इगोर उसे अपना नंबर दे देता है ताकि जब भी जरूरत पड़े वो इगोर से कॉन्टेक्ट कर ले। सीन्स एक आईटी मिलियनर सर्गेई पे शिफ्ट होते हैं, जो कि वी मेस्ट नामी सोशल नेटवर्क साइट का मालिक है। वो और उसका दोस्त ओलेग उसी ऑर्फेनेज में बड़े हुए थे जहाँ माकरोव रहता है। उस लड़की की डेथ का सुन के सर्गेई को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो उस ऑर्फेनेज के बच्चों की लाइफ बेहतर बना सके और गरीबों की मदद कर सके। पर जब तक किरिल जैसे लोग इस दुनिया में बाकी हैं, उसे लगता है कि ये मुमकिन नहीं है। ओलेग उसे हौसला देता है और कहता है कि उसने आज तक सर्गेई की सारी मुश्किलें आसान की हैं, वो आगे भी ऐसा ही करेगा, इसलिए सर्गेई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इगोर कर्नल के घर पहुंचता है, जहां हमें पता चलता है कि कर्नल उसके फादर का बहुत अच्छा दोस्त था और यही वजह है कि इगोर उसे इतना क्लोज है। वो कर्नल की फैमिली के साथ टाइम ही गुजार रहा होता है कि तभी उसे माकरोव की टीचर टैटियाना की कॉल आती है, जो इगोर से कहती है कि माकरोव यहाँ से गायब है और उसे डर है कि वो कुछ गलत न कर दे। साथ ही सीन्स किरिल के घर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ मास्क और सुपर हीरो सूट में एवेंजर की तरह का एक आदमी किरिल को मार रहा होता है। जब किरिल उससे बच के अपनी कार में जाता है, तो वो आदमी उसकी कार को आग लगाते हुए ब्लास्ट कर देता है। इगोर टैटियाना की वार्निंग की वजह से पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। वो ये सब होते देख लेता है, लेकिन उस मास्क मैन को नहीं रोक पाता। वो मास्क मैन बहुत ही आसानी से इगोर को चकमा देते वहाँ से चला जाता है। सबका सीधा शक माकरोव पे जाता है, इसलिए उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इगोर जब उसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा था, तो डुबिन उसे उस मास्क मैन का स्केच देता है। इगोर को ये तो यकीन है कि किरिल को मारने वाला माकरोव नहीं है, इसलिए वो माकरोव से कहता है कि अगर वो उस कातिल के बारे में कुछ भी जानता है तो उसे बता दे, लेकिन इगोर को उस कातिल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद इगोर बहुत देर तक उस आदमी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए रिसर्च में लगा रहता है, लेकिन मजाल है कि इगोर को कोई भी हिंट मिला हो। आखिर में तंग आके वो उस केस की फाइल लिए घर के लिए निकलता है, जहाँ कुछ लड़के एक लड़की को तंग करते नजर आते हैं, जिस पर वो उन दोनों को बुरी तरह मार के उस लड़की को बचा के अपने साथ अपने घर ले आता है। वो लड़की इगोर को उसके लिए चाय लाने का बोल के मास्क मैन की फाइल खोलती है। सारी रिसर्च की पिक्चर्स लेके वो इगोर के आने से पहले ही वहाँ से निकल जाती है। उस लड़की के बाहर आने पर हमें पता चलता है कि वो दो लड़के भी उसने खुद अपनी हेल्प के लिए बुलाए थे, ताकि वो इगोर तक पहुँच सके। अब ये लड़की कौन है, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ सर्गेई पे रिवील होता है कि वो मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त और
ओलेग है जिसने सर्गे की दोस्ती और पैसों का फायदा उठा के ये सूट और स्पेशल वेपन्स तैयार किए हैं ताकि वो सब अमीर जादों को मार के सिटी को साफ कर सके। वो सब लोग जो करप्शन या कोई भी इलीगल काम कर रहे हैं और अपने पैसों और रुतबे की वजह से बच निकलते हैं, वो लोग जो गरीबों का हक मार के सुकून से सोते हैं, ओलेग उन सब से बदला लेना चाहता है। सर्गे उसे समझाने की ट्राई करता है कि वो ये सब गलत कर रहा है, जस्टिस दिलाने का ये कोई तरीका नहीं है, पर ओलेग उसकी एक नहीं सुनता। वो तो उल्टा कहता है कि ये सब तो अभी शुरू हुआ है, अभी आगे और बहुत कुछ होगा। इस सब के बाद ओलेग सर्गे की ऐप की मदद से सब लोगों के फोन में अपनी वीडियो भेजता है जिसमें वो लोगों को बताता है कि वो प्लेग डॉक्टर है जो लोगों को इंसाफ दिलाएगा, जिसकी शुरुआत उसने किरल को मारने से की थी। और अब वो ओल्गा के घर में खड़ा वीडियो बना रहा होता है जिसने बैंक में घपला करके गरीबों के पैसे वापस नहीं किए थे। प्लेग डॉक्टर ओल्गा के गले में बॉम्ब डालते उसके अपार्टमेंट में ब्लास्ट करता उसे मार देता है। ये सब करके प्लेग डॉक्टर बहुत फेमस हो जाता है, गरीब आवाम उसे अपना मसीहा समझने लगती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट इगोर को हटा के स्ट्रेलकोव को रख लेती है। इस बार कर्नल भी कुछ नहीं कर पाता है जिस पर इगोर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब इगोर तो इगोर है। वो कर्नल के मना करने के बाद भी डुबिन को अपने साथ मिला के अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो जाता है। वो डुबिन को लिए ब्लैक मार्केट के लोगों से मिलने जाता है जो पैसों के लिए कुछ भी करने और बताने को तैयार है। वहाँ इगोर को अपने एक जासूस से कुछ लोगों की लिस्ट मिलती है जो शायद प्लेग डॉक्टर के बारे में जानते हों। इगोर डुबिन को लिए उन सब के पास जाता है, हर किसी का बुरा हाल करते हुए उसे मारता इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई करता है, लेकिन मजाल है कि कोई प्लेग डॉक्टर को जानता हो। आखिर में लिस्ट खत्म होने पर इगोर डुबिन को वापस डिपार्टमेंट भेज के खुद सर्गे को मिलने जाता है। सर्गे इगोर से कहता है कि उसने अपनी ऐप से वीडियो डिलीट कर दी है मगर बहुत से लोगों ने उसकी कॉपी बना ली है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। इगोर सर्गे से हेल्प मांगता है कि वो अपनी ऐप की मदद से उस आदमी का फोन ट्रैक करे जिसने ये वीडियो डाली है, लेकिन सर्गे कहता है कि ऐप की मदद से ऐसा नहीं हो सकता, वो उस इंसान की आइडेंटिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिस पर इगोर वहां से भी मायूस लौटता है। डिपार्टमेंट पहुंचने पर डुबिन उसे यूलिया नामी एक वेब रिपोर्टर की वीडियो दिखाता है जिसने प्लेग डॉक्टर पे अपनी न्यू वीडियो डाली है। ये वो लड़की है जिसने इगोर के घर से प्लेग डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन निकाली थी। इगोर को यूलिया पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके अपार्टमेंट पहुंच जाता है। वहां वो यूलिया को वार्न करता है कि दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे, उसकी इस हरकत से इगोर की जॉब भी जा सकती थी, पर यूलिया पे खास असर नहीं होता। उसे सजा देने के लिए इगोर उसका लैपटॉप पानी के नीचे रख देता है। प्लेग डॉक्टर अपना काम कंटिन्यू रखते हुए एक और अमीर आदमी को उसकी फैमिली के साथ बेरहमी से जिंदा जला देता है। इस सब की वजह से हर जगह बस उसी की बातें चल रही होती हैं। अमीरों को अपनी जान की फिक्र होने लगती है जबकि सब गरीब और जुल्म के सताए हुए लोग उसके हक में बोलने लगते हैं। सर्गे ओलेग को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि वो इस सब को यहीं रोक दे, मगर ओलेग तो रुकने को तैयार ही नहीं था। सर्गे उसे पुलिस की धमकी भी देता है, लेकिन ओलेग उसे ये कहकर डरा देता है कि अगर वो पुलिस के पास गया तो पुलिस उसे भी अरेस्ट करेगी क्योंकि वो इस सब के बारे में बहुत पहले से जानता था, पर तब चुप रहा तो उसे अब भी चुप ही रहना चाहिए। जुबिन इगोर से मिलके उसे कहता है कि प्लेग डॉक्टर अपना नेक्स्ट टारगेट टाउन में होने वाले एक बड़े कैसीनो की ओपनिंग से लेगा क्योंकि वहाँ टाउन के सब अमीर लोग आने वाले हैं। इगोर को जुबिन की बात में वजन लगता है, इसलिए वो वापस अपने दोस्त से मिलके उसे अच्छे कपड़े और कार लिए कैसीनो की ओपनिंग में पहुँच जाता है। वहाँ यूलिया भी प्लेग डॉक्टर के पीछे आई होती है। इगोर और यूलिया प्लेग डॉक्टर के इंतजार में वहाँ साथ टाइम गुजारने लग जाते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि वहाँ प्लेग डॉक्टर तो नहीं आता, पर गरीब लोग जो उसे अपना हीरो समझते हैं वहाँ अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक हसल मच जाता है। यहाँ स्ट्रेलकोव डुबिन को डरा धमका के उसकी और इगोर की प्लेग डॉक्टर के बारे में सब इन्वेस्टिगेशन निकलवा लेता है। सर्गे कैसीनो में आया लोगों को मदद करने की ऑफर करते ये सब रोकने को कहता है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। ये देखते हुए इगोर खुद सामने आते हुए सबसे अकेले ही हीरोइक वे में फाइट शुरू कर देता है। यूलिया ये सब रिकॉर्ड करने में लगी होती है। इगोर जितना हो सके सबसे फाइट करता उन्हें रोक तो रहा था, पर अब आखिर कब तक। तभी स्ट्रेलकोव पुलिस लिए वहाँ पहुँच जाता है और
और चीजों को कंट्रोल में कर लेता है। यूलिया इगोर से कैसीनो में हुए इंसिडेंट के बारे में कुछ बोलने को कहती है ताकि वो उसे अपनी वीडियो में ऐड कर सके, पर इगोर यहाँ भी उससे बदतमीजी करते हुए उसका फोन तोड़ देता है। स्ट्रेलकोव कर्नल को मजबूर करते हुए इगोर को जॉब से निकलवा देता है क्योंकि इगोर बिना बताए उसके केस पे काम कर रहा था। कर्नल के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से इगोर खुद ही रिजाइन किए वहाँ से निकल जाता है और इस बार की बैठ के सारे पैसे डुबिन की टेबल पे पार्टनर कहते हुए रख देता है ताकि उसे शर्मिंदा कर सके। कर्नल इगोर को कहता है कि उसे दोस्त बनाने की जरूरत है, वो ऐसे अकेले सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसे लोगों को ट्रस्ट करना सीखना होगा और अपनी लाइफ में जगह देनी होगी। कर्नल की इस बात पे अमल करते हुए इगोर यूलिया को एक न्यू फोन गिफ्ट करते हुए अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। नेक्स्ट डे इगोर माकारोव के बारे में मजीद रिसर्च करने के लिए उसकी टीचर टैटियाना से मिलके माकारोव के रूम की चेकिंग करने जाता है क्योंकि उसे शक होता है कहीं ना कहीं माकारोव का इस सब से कोई ताल्लुक तो जरूर है। वो माकारोव के रूम में तो नहीं जाता, उससे पहले ही उसे वहाँ डिस्प्ले में सर्गेई की पिक्चर्स और कुछ और चीजें मिलती हैं। टैटियाना इगोर को सर्गेई की नोटबुक दिखाते हुए बताती है कि ओलेग उसका बेस्ट फ्रेंड आर्मी में सर्व करने चला गया था और वहीं उसकी मौत भी हो गई। साथ में इगोर को सर्गेई की नोटबुक में प्लेग डॉक्टर के स्केचेस भी मिलते हैं। इगोर को सर्गेई पे शक हो जाता है और उसकी हर रिसर्च भी चीख चीख के कह रही होती है कि इस सब के पीछे सर्गेई है। इगोर सर्गेई को कन्फ्रंट करने पहुंचता है, सर्गेई उसे यही कहता है कि ये सब करने वाला ओलेग है। तभी ओलेग वहाँ आ भी जाता है पर सिर्फ सर्गेई को ही नजर आता है। इगोर सर्गेई से भी कहता है कि ओलेग तो लास्ट ईयर सीरिया के बैटल में मारा गया था, इसलिए उसे बेवकूफ ना बनाए, मगर सर्गेई अभी भी ओलेग को देख के डरता नजर आता है। इगोर जब मुड़ के पीछे देखता है जहाँ ओलेग सर्गेई के लिए खड़ा था, तो सर्गेई इगोर की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के उस पे अटैक करते उसे बेहोश कर देता है। इस सब के बाद मूवी में एक कमाल का ट्विस्ट आता है। हम पे रिवील होता है कि ओलेग की सचमुच डेथ हो चुकी है और प्लेग डॉक्टर असल में सर्गेई ही है। सर्गेई के एक ऑर्फन होने की वजह से सारी जिंदगी उसने जो मुश्किलें फेस की थी उन सब की वजह से वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। उसने अपनी इसी दुनिया में ओलेग का उसके बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर पैदा किया जो आर्मी में जा चुका था, उसे एक विलन शो करते हुए अपने सब गलत कामों का जिम्मेदार बना दिया जबकि खुद को उसने एक अच्छा और नेक इंसान ही शो किया। अब जबकि इगोर उसकी सच्चाई जान चुका था तो सर्गेई की ओलेग यानी विलन वाली पर्सनैलिटी उसे डोमिनेट कर लेती है, जिस पर सर्गेई खुद सामने से आके अपनी इस अधूरी काम को पूरा करने में लग जाता है। अब सर्गेई करता ये है कि कैसीनो के ओनर पे अटैक करके इगोर को रस्ते से हटाने के लिए बेहोशी की हालत में वहाँ प्लेग डॉक्टर के कॉस्ट्यूम के साथ छोड़ देता है। इगोर होश में आके पुलिस से बच के भागने की तो बहुत ट्राई करता है पर डुबिन उसे पकड़ लेता है। इगोर स्ट्रेलकोव को बताता है कि सर्गेई प्लेग डॉक्टर है, वो नहीं। लेकिन स्ट्रेलकोव ने अब उसका यकीन क्यों करना था, वो तो शुरू से ही इगोर को पसंद नहीं करता था। सर्गेई ने भी पूरा पूरा काम कर रखा था। पुलिस को इगोर के घर से भी बहुत से सबूत मिल जाते हैं जिस पर उन्हें यकीन हो जाता है कि इगोर ही प्लेग डॉक्टर है। यूलिया इगोर की लॉयर का रूप लेते उससे मिलने आती है ताकि उसकी हेल्प कर सके, मगर इगोर फिर से उससे रूडली बात करते हुए वहाँ से जाने का बोल देता है क्योंकि वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता था। डुबिन को इगोर के लिए बुरा लगने लग जाता है, वो स्ट्रेलकोव को समझाने की ट्राई भी करता है कि इगोर बेकसूर है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता, इसलिए आखिर में वो सबसे बचते इगोर को जेल से फ्री करवा देता है। फिर ये दोनों यूलिया के साथ वहाँ से भाग निकलते हैं। इगोर उन दोनों को बता तो देता है कि प्लेग डॉक्टर सर्गेई है लेकिन मजीद इन दोनों की हेल्प लेने से इनकार करता अकेला ही सर्गेई के पास पहुँच जाता है। इस बार सर्गेई प्लेग डॉक्टर के रूप में इगोर के सामने आते हुए उसे कहता है कि इगोर कुछ भी कर ले उसे रोक नहीं सकेगा। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इगोर सर्गेई पे अटैक करते उसके सब फायर निकालने वाले डिवाइस दूर फेंक देता है। तभी सर्गेई एक वीडियो वायरल कर देता है जिसमें वो पुलिस स्टेशन पे ब्लास्ट करवा के लोगों को खुद रोड पे आने का कहता है ताकि वो अपने साथ हुए नाइंसाफियों का बदला ले सके, और अब तो पुलिस भी उन्हें रोक नहीं सकती थी। इगोर सर्गेई से इस हरकत से शॉक वहाँ बैठा ही होता है कि सर्गेई एक डिवाइस किसी तरह इगोर की तरफ फेंक देता है और वहाँ भी एक ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ सिटी के लोग प्लेग डॉक्टर की बातों में आके सिटी में
में एक फस मचा देते हैं। हर जगह खून खराबा तबाही होने लगती है। इगोर और सर्गे के बीच फिर से एक कमाल फाइट शुरू हो जाती है। इगोर के लिए सर्गे की आग से बचना मुश्किल हो रहा होता है। तभी जुबिन और यूलिया उसकी हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। इगोर उन दोनों को अपनी जान बचाने का बोल के फिर से सर्गे से फाइट शुरू कर देता है। एक लंबी फाइट और सख्त कॉम्पिटिशन के बाद फाइनली इगोर और उसके दोस्त सर्गे को काबू में कर लेते हैं। आर्मी सिटी में पहुँच के हालात बेहतर होने लग जाते हैं। सर्गे जब एक्सेप्ट करता है कि वो ही प्लेग डॉक्टर है तो यूलिया ये सब रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके बाद ये तीनों उसे लिए पुलिस के पास जा ही रहे होते हैं कि पुलिस खुद ही वहाँ पहुँच जाती है। कर्नल को जिंदा देख इगोर बहुत खुश होता है। वो लोग सर्गे को अरेस्ट कर लेते हैं। स्ट्रेलकोफ रंग में भंग डालने की ट्राई करता है, पर इस बार कर्नल चुप नहीं रहता और उसे पंच करते हुए उसे बेहोश ही कर देता है। सिटी में वापस से सुकून आ जाता है। प्लेग डॉक्टर का नामो निशान गायब हो जाता है। असल प्लेग डॉक्टर को मीडिया के सामने लाके लोगों को कुछ भी गलत करने से रोक दिया जाता है। लास्ट सीन्स में इगोर अपने फ्रेंड्स जुबिन और यूलिया के साथ सुकून वाली जगह पे अच्छा टाइम भी गुजारता है, जहाँ यूलिया और वो एक दूसरे से प्यार का इजहार कर लेते हैं। मिड क्रेडिट सीन्स में सर्गे मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ उसकी डार्क साइड उससे कहती है कि वो जल्द ही दोबारा मिलेंगे। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में ओलेग जिंदा आर्मी कैंप में दिखाया जाता है, जहाँ वो सर्गे का केस टीवी पे देखता नजर आता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।